हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के राइट टू रिकॉल बिल लाने की पेशकश किए जाने के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरपंचों से पहले विधायकों और सांसदों पर राइट टू रिकॉल लागू करने की मांग की है, तो वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला ने शुरुआत कहां से हो इस पर बहस करने की बजाय इस मुद्दे पर चर्चा कर आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा में पंचायती राज सिस्टम में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत न सिर्फ सरपंचों की जनता के प्रति जवाबदेही तय होगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग सकेगी। जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने वाले सरपंचों को अब एक साल के भीतर ही पद से हटाया जा सकेगा, जिसके लिए हरियाणा सरकार अगले विधानसभा सत्र में बिल पेश कर सकती है। लेकिन बिल पेश होने से पहले ही इस पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में सरपंचों से पहले सांसदों और विधायकों पर राइट टू रिकॉल का कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ये बिल पास कराएगी तो जनता सबसे पहले विधायकों के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। पहले एमपी एमएलओ का हो, उसके बाद पंचायतों का। ये क्या बात है, एमपी एमएलओ का राइट टू रिकॉल है नहीं। पंचायत और पंचायत गांव में और पार्टी बाजी बना दो, गांव का नुकसान होगा अकेले। हाँ, राइट टू रिकॉल हो तो सबके लिए हो, सब निर्वाचित है सबके लिए हो। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला भी राइट टू रिकॉल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि राइट टू रिकॉल का मुद्दा सबसे पहले चौधरी देवीलाल ने उठाया था। उन्होंने कहा कि अगर राइट टू रिकॉल लोकसभा और विधानसभा के लिए लागू हो जाए तो सबसे पहले शिकार राइट टू रिकॉल की बात करने वाले होंगे। जो राइट टू रिकॉल की बात करते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ये तो केवल पंचायत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए गांव के अगर 50% से ज्यादा लोग लिख करके दे देंगे तो वहां दोबारा चुनाव होगा, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। राइट टू रिकॉल का तो नारा चौधरी देवीलाल ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली के मेंबर जो है उनके लिए हो, ताकि कोई भी किसी का चुनाव नुमाइंदा अगर सही ढंग से काम नहीं करता तो उसको वापस बुलाने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। और अगर वो राइट टू रिकॉल लोकसभा विधानसभा के लिए लागू हो जाए तो फिर मुख्यमंत्री भी जो राइट टू रिकॉल की बात करता है वो सबसे पहले दोनों लोगों का शिकार हो जाए। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि कानून पहले किस पर लागू हो इस बहस में पड़ने की बजाय इस पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है। देखिए, बहुत बड़ा ये विषय इन दिनों में चर्चा में आया है, राइट टू रिकॉल का। शुरुआत कहां से हो कहां से ना हो, इससे पहले तो यही बहस का विषय है कि ये हो या ना हो। इसलिए सर्वप्रथम तो अगर कहीं चर्चा आए तो इसी बात पे आए कि इस प्रकार की व्यवस्था जो भारतीय लोकतंत्र है इसमें ठीक रह सकती है कि नहीं रह सकती। सबसे पहले इस बात पर चर्चा होकर के फिर आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के कहीं इस तरह के विषय को समझ करके आगे बढ़ाना ना बढ़ाना इस निर्णय के ऊपर पहुंच सकेंगे। सरपंचों के लिए राइट टू रिकॉल कानून पास होने के बाद प्रदेश सरकार नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में भी इसे बाद में लागू कर सकती है। ये जानकारी प्रदेश के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने हरियाणा न्यूज से विशेष बातचीत में दी। पे और एमपी है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के नीचे इलेक्ट होते हैं। वो एक सेंट्रल एक्ट है, पार्लियामेंट का पास किया हुआ, और उस एक्ट में कोई अमेंडमेंट करके कोई रिकॉल की कोई प्रोविजन ऐड की जानी है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। और जो स्थिति हम रिकॉल की बात हमारे प्रांत में चल रही है, सरपंचों के बारे में भी शुरू होने जैसे बातचीत चली है,
तो जहां तक तो पंच और सरपंचों की बात है या म्युनिसिपल काउंसलर की बात है, मेयर है, म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट है, वो स्टेट एक्ट के नीचे होते हैं। और स्टेट में जैसे पंजाब, जैसे हरियाणा का हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, म्युनिसिपल एक्ट है, हरियाणा पंचायती राज एक्ट है, उसमें स्टेट की पावर है, स्टेट कोई भी प्रोविजन ऐड कर सकती है। और यदि देखती है कि ये जो पंच पंच या सरपंचों के बारे में राइट टू रिकॉल की प्रोविजन ऐड कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल होती है, अल्टीमेटली उसकी जो इंटेंशन है करने की वो कामयाब होती है, तो उसको वो प्रांत की सरकार को, जो भी हरियाणा सरकार है, उनको अधिकार है कि वो सेम प्रोविजन जो है म्युनिसिपल काउंसलर के बारे में भी जो है एक्सटेंड कर सकती है, मेयर के बारे में भी कर सकती है, क्योंकि जो म्युनिसिपल काउंसलर है सारे मेयर है और इसी तरह पंच और सरपंच है, उनके बारे में कोई भी इस तरह की प्रोविजन ऐड करनी है तो उसका अधिकार प्रांत की गवर्नमेंट को है। एक नजर डालते हैं हरियाणा में सरपंचों के लिए आने वाले राइट टू रिकॉल बिल के प्रावधानों पर। हरियाणा में कर्नाटक के तर्ज पर कानून बनाया जा रहा है, राजस्थान में भी राइट टू रिकॉल का कानून है। राजस्थान में पंच ही सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। हरियाणा में बनाए जा रहे कानून में ये अधिकार ग्राम सभा के पास होगा। ग्राम सभा के 60% लोग असंतुष्ट होने पर ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव। सरपंच के चुनाव के एक वर्ष बाद ही प्रस्ताव लाने का प्रावधान। अब चलिए आपको बताते हैं कि राइट टू रिकॉल है क्या और इसकी शुरुआत कहां से हुई और भारत में किसने सबसे पहले राइट टू रिकॉल का नारा दिया। निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार। प्राचीन काल में एथेनियन लोकतंत्र से ही यह कानून चलन में था। बाद में कई देशों ने राइट टू रिकॉल को अपने संविधान में शामिल किया। इस कानून की उत्पत्ति स्विट्जरलैंड में हुई। इसका चलन सर्वप्रथम अमेरिकी राज्यों में देखा गया। 1903 में अमेरिका के लॉस एंजिलिस की म्युनिसिपैलिटी में हुआ लागू। 1908 में मिशिगन और ओरेगन में राइट टू रिकॉल लागू हुआ। यहाँ ये कानून राज्य के अधिकारियों के लिए लागू किया गया था। भारत में राइट टू रिकॉल का नारा लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 4 नवंबर 1974 को संपूर्ण क्रांति के दौरान राइट टू रिकॉल का नारा दिया था। पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक में यह कानून लागू है। हरियाणा सरकार मानसून सत्र में ही इस बिल को पास कराना चाहती थी, लेकिन सत्र एक दिन की होने की वजह से पास नहीं करा पाई। अब अगले सत्र में इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के राइट टू रिकॉल बिल लाने के पेशकश किए जाने के बाद राजनीति में कितनी गर्माहट है वो हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाई। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने राइट टू रिकॉल को लेकर अपनी आवाज उठाई है। भूपेंद्र हुड्डा ने यह कहा कि सरपंचों से पहले विधायकों और सांसदों पर राइट टू रिकॉल लागू करने की मांग की उन्होंने अपनी आवाज उठाते हुए। वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी शुरुआत कहां से हो इसे लेकर अपनी बात रखी है। ये कहा है सुभाष बराला ने कि शुरुआत कहां से हो इस पर बहस करने के बजाय इस मुद्दे पर चर्चा करके आगे बढ़ना चाहिए। राइट टू रिकॉल पर किस तौर सियासत हो रही है हरियाणा में, इसी पर आज हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे। राइट टू रिकॉल बिल की पेशकश डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से और उसके बाद सियासी गलियारे की गर्माहट किस सार तक पहुंचने की कोशिश में है इस वक्त प्रदेश की सियासत राइट टू रिकॉल को लेकर, आइए डिबेट में इसे ही चर्चा का विषय बनाते हैं। हमारे पैनल से मिलवाती हूं डॉक्टर हिम्मत यादव, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है। योगेश कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आप दोनों का। ये दो मेहमान हमारे साथ इस वक्त हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, सीधे जुड़े हैं। चौहान साहब आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। दीप कमल सहारण, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। दीप कमल जी बहुत स्वागत है आपका। अर्जुन सुढ़ैल, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। अर्जुन जी आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। एक एक कर सभी के पास आऊंगी। नमस्कार सर। राइट टू रिकॉल को लेकर प्रदेश की सियासत पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। शुरुआत में डॉक्टर हिम्मत आपसे करना चाह रही हूं, क्या आपत्ति है?
देखिए अनामिका जी, जिस प्रकार से जो पंचायती जो सिस्टम है इस देश के अंदर, जो सबसे छोटी यूनिट जो होती है ग्राम सभा जी, और जो हिंदुस्तान के विकास का जो तरक्की का और विकास का जो सबसे जो नीचे का जो पहिया है वो ग्राम सभा होती है, और उस ग्राम सभा का जो सपना था जो महात्मा गांधी जी के बाद और राजीव जी ने जिस प्रकार से उसको बल दिया और एल एम सिंघवी की कमेटी के बाद में और 92 के अंदर 73वें संशोधन के बाद में पंचायतों को जो इस डिसेंट्रलाइज करके और उनको पावर देने का जो काम किया था जी, आज समय की मांग है कि उस उन पावर्स को और सशक्तिकरण देना चाहिए। जिस प्रकार से आज सरपंचों को कुछ छोटी मोटी जुडिशियल पावर उनको दे करके आज बहुत सारे तमाम झगड़ों को कोर्ट में जाने से बचाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो पंचायत और विकास का जो मॉडल है जी, जो असली विकास का मॉडल जो राजीव जी ने और जो महात्मा गांधी जी का जो स्वराज ग्राम ग्राम स्वराज का जो सपना था, वो सपना आज की डेट में कहीं ना कहीं अधूरा है, जिसको और बल देकर के मजबूत करने का जो समय था उस समय ये इस प्रकार की बात करना मेरे हिसाब से ये बेईमानी है। एक प्रकार से अगर अगर तो सरकार की मंशा थी कि भाई इस प्रकार से जो है हम ट्रांसपेरेंसी लाने का कोई प्रयास करते हैं नीचे के स्तर के ऊपर, तो आपको पहले देखो चैरिटी बिगिंस एट द होम, आपको पहले जो है मुख्यमंत्री जी को ये कोशिश ये पहल करनी चाहिए, पहले अपनी विधानसभा में राइट टू रिकॉल करके देखें, डिप्टी सीएम साहब अपनी विधानसभा में जो है राइट टू रिकॉल करके देखें, और फिर जब रिजल्ट लेके आए फिर जनता के सामने आए कि देखो हमने अपना जो है ये रखा और उसके बाद में जो है छोटी यूनिट के ऊपर ग्राम पंचायतों के ऊपर नगर पालिका के लेवल के ऊपर यहाँ पर रखने से पहले ये काम करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये कहीं ना कहीं बेईमानी है एक तरीके से जो है किसी ना किसी प्रकार से। आज जिस प्रकार से ग्राम सभाओं के लिए बजट का जिस प्रकार से सेंट्रल ग्रांट कमीशन जो मिलता था, आज ये आत्मनिर्भर कहने के लिए बोल रहे हैं कि पंचायतों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा जी। किस प्रकार से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, किस प्रकार से जो है आज बल्कि विकास का मॉडल ब्लॉक ब्लॉक मॉडल किस लिए होता था अनामिका जी, अनामिका जी मॉडल ब्लॉक हम ब्लॉक किस लिए बोलते हैं, जैसे आज ब्लॉक ब्लॉक की बात होती है तो किस लिए था, बीडीओ वहां बैठता है सबसे छोटी, मतलब आज का विकास का जो मॉडल होना चाहिए था जो हर पार्टी का मैनिफेस्टो होना चाहिए वो मॉडल जो होना चाहिए वो ब्लॉक लेवल का होना चाहिए। किस प्रकार की अलग अलग समस्याएं हैं, हर गांव की अलग समस्या है, हर ब्लॉक की अलग समस्या है, उनको किस तरह से समायोजित करके विकास करने के मॉडल को आज रखना चाहिए ये था। ये मॉडल गलत क्यों लग रहा है वो बताइए। ये मॉडल इसलिए गलत है कि आप ये देखिए कि पंचायत स्तर के ऊपर कितने सारे जो है इसमें सदस्य होते हैं इस सद, और एक चीज को कभी भी ऐसे थोपा नहीं जाता बिल बनाने से पहले कोई मॉडल स्टडी इसके ऊपर हुई राइट टू रिकॉल बिल लाने की पेशकश थोपना नहीं हुआ डॉक्टर हिम्मत, इस पर बात हो सकती है। नहीं बात तो हो सकती है, बिल को तो लेकर के आइए, बिल को लाने से पहले भी विपक्षी दलों के साथ कोई प्रदेश के अंदर भी किसी प्रकार का कोई रेफरेंडम करवाना चाहिए था, और जो है अगर ये करना है आवश्यक लगता है तो पहले विधानसभा के ऊपर लोकसभा के ऊपर सबसे पहले और फिर विधानसभा के ऊपर। ठीक है, आ रही हूं मैं आपके पास दोबारा से। दीप कमल सहारण जी, राइट टू रिकॉल के आखिर क्या मायने हैं और क्यों सवाल कांग्रेस की तरफ से? दीप कमल जी आवाज मिल रही है आपको? दीप कमल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए जरा दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आवाज शायद मेरी उन तक पहुंच नहीं रही है। मैं यही सवाल ले रही हूं चौहान साहब आपसे। जी क्या मायने हैं राइट टू रिकॉल के और कांग्रेस की नाराजगी को बीजेपी किस तरह से समझ रही है, जो सवाल उठाए डॉक्टर हिम्मत ने सुने होंगे आपने। देखिए राइट टू रिकॉल का सीधा सा जो अर्थ है वो है कि जिन लोगों ने किसी जनप्रतिनिधि को चुना, कोई ताकत दी चुन करके प्रतिनिधि बनाया, उनको उसको वापस बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए कार्यकाल पूरा होने से पहले। अगर चुनने वालों को अपने प्रतिनिधि पर विश्वास नहीं रहा और उन्हें लगता है कि प्रतिनिधि उनकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया, ठीक है। राइट टू रिकॉल कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जब से प्रजातंत्र की बात होनी शुरू हुई है आदिकाल से, मैं आपकी रिपोर्ट भी सुन रहा था,
बहुत पुराने से एथेंस के जमाने से एथेनियन जो डेमोक्रेसीज थी वहां भी राइट टू रिकॉल की बात होती थी। यूएस में बहुत पहले इस पर प्रयोग हो चुके हैं, स्वीडन में संभवतः कुछ प्रयोग हुए हैं। भारत में जब संविधान बन रहा था उस समय संविधान सभा में राइट टू रिकॉल, जब राइट टू इलेक्ट आप दे रहे थे उस समय राइट टू रिकॉल होना चाहिए, इस पर चर्चा हुई, लेकिन संविधान सभा में सहमति नहीं बन पाई। इस आशय का एक प्रस्ताव आया और मैं ये पढ़ रहा था, गूगल देवता ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भी इसके पक्ष में उस समय नहीं थे। उससे पहले भी जी बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जब भारत में प्रजातंत्र की चर्चा आजादी से पहले भी हुई कि प्रजातांत्रिक भारत कैसा होगा, तो उसमें राइट टू इलेक्ट के साथ राइट टू रिकॉल इसकी बात हुई। तो कुल मिलाकर राइट टू रिकॉल का पहला सरल सा अभिप्राय आम आदमी को समझाना हो या समझना हो तो वो ये कि जो आप जनप्रतिनिधि को चुनते हैं निर्धारित समय से पहले उसको वापस बुलाने का अधिकार भी उन लोगों को होना चाहिए। अभी हरियाणा में हरियाणा सरकार ने जो प्रस्तावित किया है पंचायती राज संस्थाओं में भी पंचायत में अपने सरपंच को जो सरपंच जिनको सीधा चुनती है ग्राम सभा यानी गांव के सभी वोटर मिलकर वो अपना सरपंच चुनते हैं सीधे प्रत्यक्ष मतदान से। तो प्रस्ताव ये है कि एक लॉकअप पीरियड आप उसको कह दीजिए, एक निर्धारित समय अवधि के बाद अगर ग्राम सभा को ये लगता है कि सरपंच ठीक काम नहीं कर रहा तो साहब हम उसको वापस बुला लेंगे। उसकी प्रक्रिया प्रस्तावित जो बिल है उसमें वर्णित की गई है, मोटे तौर पर उसमें ये कहा गया है कि ग्राम सभा पहले आहूत करनी होगी, ग्राम सभा के सदस्य इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं 33% ग्राम सभा के सदस्य, और फिर एक निर्धारित दिन ग्राम सभा इकट्ठी होगी प्रॉपर सबको सूचना देने के बाद, और जो लोग उस सभा में मौजूद होंगे अगर उपस्थित लोगों के 60% इस तरह का कुछ उसमें प्रस्ताव है प्रावधान है सरपंच को हटाने का निर्णय पारित कर देते हैं तो सरपंच नहीं रहेंगे। इस तरह के मैं प्रावधानों की बारीकी में नहीं जाना चाहता, सिद्धांत रूप में राइट टू रिकॉल का अर्थ ये है। जहां तक मुझे कांग्रेस की नाराजगी समझ में आ रही है सर, आपने भूपेंद्र हुड्डा साहब को भी सुना, जब राइट टू रिकॉल एक जनप्रतिनिधि को निर्धारित समय सीमा जो उसकी कार्य अवधि उससे वापस लेने के लिए है तो ये केवल ग्राम पंचायतों के लिए क्यों, इसे पहले विधायकों और सांसदों पर पहले विधायकों और सांसदों पर लागू किया जाना चाहिए, हुड्डा साहब ने कहा। देखिए हुड्डा साहब का विरोध के लिए विरोध है। अच्छा, हुड्डा साहब अगर ये फॉर्मूला देखिए, मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ जी जी, कि पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान, इसकी व्यवस्था कांग्रेस के शासनकाल में स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए कानून बना और उस कानून में प्रावधान कर दिया गया महिलाओं को इतना आरक्षण हम देंगे स्थानीय निकायों में ग्राम पंचायतों में। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके अनुयायी क्या इन्होंने कभी ये उस समय कहा था कि राजीव गांधी को खड़े होके, ये काफी नजदीक रहते थे राजीव जी के भाई साहब पहले संसद में पहले विधानसभाओं में उस समय खूब बहुमत था इनके पास, पहले संसद ये कानून पारित करे के संसद में महिलाओं को आरक्षण देंगे, पहले विधानसभाओं में आरक्षण देंगे तब ग्राम पंचायत में करने देंगे। हाँ। अगर ईमानदार इनकी कोशिश होती तो यही कुतर्क, मैं तो इसको कुतर्क कहता हूं, लेकिन यही कुतर्क इन्हें अपने राजनीतिक आका राजीव गांधी के साथ भी करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि तर्क है ही नहीं, क्योंकि कुतर्क करना और कुतर्क तो हमारे साथ करेंगे। मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं। हाँ। सुधार का विरोध अक्सर लोग किया करते हैं और सुधार का विरोध करने वालों के अक्सर बहाने यही होते हैं कि पहले सारा देश ईमानदार हो जाए तब मैं ईमानदार बनूंगा, पहले फलाने को ईमानदार कर दो फिर मैं ईमानदार होऊंगा। अच्छा। ऐसे ईमानदारी आएगी क्या? इस सवाल का जवाब मैं कांग्रेस से भी लूंगी, और क्या कांग्रेस के हाँ में हाँ जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया है राइट टू रिकॉल को लेकर, अर्जुन सुडैल प्रवक्ता इन्होंने उठाएंगे क्या? मैं आऊंगी सर, वापस आऊंगी, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, फौरन लौट रहे। चलो ब्रेक से वापस हम लौट चुके हैं और हमने चौहान साहब को सुना, डॉक्टर हिम्मत को सुना। दीप कमल जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी मेरी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या सर?
मैं सुन पा रहा हूँ, मैं पहले भी आनंद साहब की आवाज सुन पा रहा था। अच्छा, आपकी फिर आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। एक बार मैं जरा अर्जुन जी से रिएक्शन ले लूं, प्रतिक्रिया ले लूं, तो फिर मैं आप ही के पास आ रही हूँ। सुनिएगा इनको, अगर आप मुझे सुन पा रहे थे तो आपने पैनल को भी सुना होगा, तो मैं डॉक्टर हिम्मत की बात का भी जवाब आपसे चाहूंगी। अर्जुन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ सर। कांग्रेस की तरफ से राइट टू रिकॉल को लेकर जो सवाल उठाया गया है, कांग्रेस की तरफ से राइट टू रिकॉल को लेकर जो सवाल उठाया गया है, इनेलो उससे सहमत है या अपनी अलग प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली बात तो मैं अनामिका जी आपको बता दूं, राइट टू रिकॉल का कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। अच्छा। इससे पहले अगर कोई प्रावधान था तो वो राइट टू रिमूव का था, जिसकी आवाज चौधरी देवीलाल जी ने 1970 के लगभग आवाज उठाई थी कि राइट टू रिमूव होना चाहिए, और वो हुआ भी था। इस तरह का प्रावधान पहले भी हमारे संविधान में था, और वो सिर्फ देवीलाल जी ने एमएलए एमपी के लिए आवाज उठाई थी। तो उसके बाद जब अभी आप सहमत है, हिस्ट्री यहाँ सबको पता है सर, पहले क्या था, अब क्या है, क्या बिल आई है, वो हम सबको पता है, आपको भी पता है, बेहतर मैं समझ गई। कांग्रेस से सहमत है अनामिका जी? नहीं पता, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अनामिका जी, दुष्यंत सिंह जी जो उप मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश के, वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो राइट टू रिकॉल नहीं है, राइट टू रिमूव है वो। मैं इनकी नॉलेज, राइट टू रिमूव था वो, तो जो हमारा प्रावधान में था। आपकी आपत्ति, अर्जुन जी, आपकी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि रिकॉल को रिमूव क्यों कह रहे हो? जी, आपकी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि रिकॉल को रिमूव को रिकॉल क्यों कह रहे हो? नहीं नहीं, इसके साथ सुनिए सुनिए अनामिका जी। हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हाँ, तो छोटे छोटी काई सरपंच पे लगा दी कि 10वीं पास होना चाहिए, हाँ, 12वीं पास होना चाहिए। इस तरह ये एमएलए एमपी पर क्यों नहीं करते? चौधरी देवीलाल जी ने तो पढ़ी लिखी पंचायत, वो तो सही बोला था सर। मुझे समझ में, आप ट्रैक पे आइए प्लीज, प्लीज बहुत कम टाइम है। तो एमएलए भी तो पढ़े लिखे होने चाहिए। आप ये अनामिका जी, पढ़े लिखे एमएलए भी तो पढ़े लिखे होने चाहिए ना? मतलब हुड्डा साहब जो कह रहे, ठीक कह रहे हैं। नहीं, हुड्डा साहब अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, हम अपनी जगह, जो हमारी पार्टी का स्टैंड है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो स्टैंड बताइए ना। रिकॉल सर, अगर एमएलए पर लागू, वही बता रहा हूं नामिका जी, अगर राइट टू रिकॉल अगर आज एमएलए पर लग जाए तो उचाना की जनता उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह जी को आज ही रिकॉल कर देगी। एक बार लगाकर देख लीजिए। चलिए, आपकी बात पहुंच गई हम तक। दीप कमल जी, जवाब चाहूंगी मैं। देखिए, दोनों का, कांग्रेस का भी और इनेलो का भी। व्यक्तिगत व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए आए हैं लगता है बातचीत में। ठीक है चौहान जी, दीप कमल जी से रिएक्शन लेकर आती हूँ। हाँ दीप कमल जी, साथी हैं, वो इस बात में खुशी महसूस कर रहे हैं कि वो ये बात कह सकते हैं कि अगर राइट टू रिकॉल एमएलए से लग जाए तो ये वापिस हो जाएगा, वो वापिस हो जाएगा। मतलब सरकार के प्रति जैसे भड़ास निकालने का काम होता है, वो यहाँ पर भी वही बात निकाल रहे हैं। उसमें कोई बात ना, दीप कमल जी लगाइए अर्जुन जी, चुप हो जाइए, देख लेते हैं, सब देख लेते हैं। दूसरी बात, जो इसके अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के लोग कह रहे थे, उनकी दुविधा अनामिका आप समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ वो ये कहते हैं कि जैसे मैंने गांव के बारे में सुना कई कांग्रेस नेताओं को, कि गांव में इससे कोई तनाव पैदा हो जाएगा, सामाजिक भाईचारा चला जाएगा, और फिर बाद में कहते हैं कि एमएलए और एमपी पर भी लगना चाहिए। तो ये विडंबना कैसे है? एक पल में आप कहते हैं कि राइट टू रिकॉल होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके बीच में अगर गुंजाइश छोड़ेंगे या अधिकार देंगे तो फिर अव्यवस्था फैल जाएगी, वहां पर माहौल ठीक नहीं रहेगा। दूसरी तरफ आप कह देते हैं कि होना चाहिए और एमएलए एमपी पर भी होना चाहिए, यानी कि एक तरफ कहते हैं सब पर होना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं जिससे आप कर रहे हैं वहां गलत है। तो ये कांग्रेस की दुविधा है। तीसरी बात, जैसे बीच में कहा, आपने कहा कि एमएलए और एमपी पर ही कहा कि उन पर लागू हो जाए, ये कांग्रेस पार्टी की और इनेलो की मांग नहीं है। ये उनका डर है कि आज अगर पंचायतों के बारे में और जिला परिषदों के बारे में बात हो रही है तो कल ये पंचायत से बढ़कर विधायक और सांसदों के लिए जाएगी, तब उन लोगों का क्या होगा? अगर कभी इन्हें सत्ता में आने का मौका मिला तो इनको तो बीच में हटा देंगे। अब जैसे हुड्डा साहब थे, सर से सीटें लेकर आए 2005 में, आते आते 40 हो गई। अगर बीच में राइट टू रिकॉल होता उन 27 एमएलए को बीच में, फिर उनको 40 दी तो जाते जाते 15 कर गए, यानी राइट टू रिकॉल उस वक्त होता तो फिर 25 को घर बैठा देती जनता। हरियाणा में 9 सांसद थे, अगले चुनाव हुआ तो एक रह गया, अगला हुआ तो एक भी नहीं रहा, यानी राइट टू रिकॉल उस वक्त होता तो कांग्रेस का तो सूबा था बीच में ही हो जाता। 262 एमपी थे कांग्रेस पार्टी के साथ यूपीए के साथ 2009 में, 262, और जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो कितने रह गए? 55।
यानी अगर राइट टू रिकॉल सांसदों के लिए देश में होता तो 2009 और 2014 के बीच में 210 कांग्रेस के सांसदों को जनता बाहर कर देती। ये खतरा है इनका, ये डर है कि कल ये बात ये इनके जो इनका जो सर है जिस स्तर स्तर की राजनीति करते हैं बात करते हैं विधायक स्तर की सांसद स्तर की वहां पर भी आएगी और उसका सबसे ज्यादा अंदाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस के शासन जब हुए हैं वो कुशासन साबित हुए हैं और जनता ने उनको उठा फेंका है जब भी मौका मिला है। वो गुंजाइश ये है कि वहां 5 साल में फेंक सकते हैं। अब अगर दिशा एक तरफ एक साल की तरफ बढ़ रही है तो इनको डर लग रहा है कि अब कभी मौका लगा भी लोगों को बहला फिसला कर बहका कर तो 5 साल पूरे नहीं हो पाएंगे, बीच में निपटा देंगे। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को तो दोनों को तो 2019 में सोनीपत और रोहतक की संसद जो लोगों ने बाहर फेंक दिया दोनों को तो कह दिया कि आप सांसद के लायक नहीं है, लोकसभा के लायक नहीं है। तो ये इनका डर है, इनकी मांग नहीं है, इनको समझिए इस बात को। उनको डर है कि ये बात जो जहां तक चली है सरपंचों से चली है अगर ये बात संसद तक जाएगी और जो ये ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति करते रहे हैं 5 साल में एक बार निकलते हैं और लोगों को बहला फुजला कर जैसे जैसे वोट एक बार ले लेते हैं तो काम 5 साल नहीं चलेगा। ठीक है, आने वाले टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है ये व्यवस्था जाएगी संसद तक और इन जैसे राजनेताओं को घर बिठाया जाएगा 1 साल बाद। चलिए मैं आ रही हूँ दोबारा से आपके पास कौशिक साहब, हालांकि बनता मेरा यही है कि मैं आपका रिएक्शन लूं लेकिन एक बार जरा कांग्रेस से जवाब ले लूं क्योंकि चौहान साहब ने भी कई सवाल खड़े कर दिए और दीप कमल जी ने तो सीधा ये कह दिया डॉक्टर हिम्मत कि ये कांग्रेस का विरोध नहीं उनका डर है। राजकमल जी, हमारा किसी प्रकार की ना हमें कोई दुविधा है ना हमारे को किसी प्रकार का डर है। हमारा थॉट प्रोसेस भी क्लियर है और हमारी प्रदेश को लेकर के चिंता भी क्लियर है। हम आपसे ये कहते हैं, हमारी जो डिमांड है हमारी ये है कि पहले आप इसको सांसद स्तर के ऊपर कीजिए। आज पूरा देश जो है त्राहिमाम कर रहा है, आज पूरे हरियाणा के अंदर त्राहिमाम है। तो इसे लेकर भी उन्होंने इसे लेकर भी उन्होंने सवाल आप ही के सवाल पर उठा दिया कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि होना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सांसदों और विधायकों पर लागू करो, तो ये वहां के लिए ठीक कैसे हो गया, वो भी कांग्रेस समझाने का काम करे। अनामिका जी, इससे इनकी जो इनकी बेईमानी जो है वो साफ झलकती है कि हर कानून को केवल पंचायत स्तर के ऊपर लागू करना चाहते हैं। क्यों नहीं ये जिम्मेवारी क्यों नहीं आज 6 वर्षों से सरकार में है, क्यों नहीं पहले अपने पे लागू कर लेते हैं। आपने जवाब दे दिया योगेश कौशिक, राइट टू रिकॉल पर ये पूरा सियासी घमासान। देखिए सर, मैं हर डिबेट में आपके पास बहुत अच्छे में आती हूँ इसलिए कि पूरे जो घमासान है, पूरा जो सियासी घमासान है, पूरे मैटर और पूरी प्रतिक्रियाओं को लेकर आपसे विश्लेषण करवाए, आपका विश्लेषण पंचायतों में लागू किया गया कांग्रेस। अरे भैया, राइट टू रिकॉल तो जनता ने पहले ही कर दिया, आपके सारे मंत्री हराने का काम किया, आपके सारे मंत्री हरियाणा के अंदर हारे, सारे मंत्री हारे आपके। भैया सारे मंत्री हार चुके हैं। 2 मिनट, केवल 2 मिनट खुद का, सर मुझे सुन लीजिए प्लीज, खुद का अपना इतिहास पढ़ो सर, 2 मिनट अपने एक बार विश्लेषण ले लेते हैं सर, अपने शासन काल में किए गए कार्यों का ध्यान कर लो, समझ में आ जाएगा कि बेतुकी बातें कर रहे हो। बैठे चौहान साहब, बस एक बार विश्लेषण, एक बार विश्लेषण सुन लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं कौशिक जी, योगेश कौशिक को एक बार सुन लेते हैं फिर मैं चौहान जी आप ही के पास आ रही हूँ। कौशिक साहब देखिए, मेरा ये राजनीतिक लोग तो अपने अपने एंगल से जो इनके पार्टी का स्टैंड है उसके हिसाब से बात करेंगे। मैं 2-3 बात पॉलिटिकली जो मैं गेन कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ दिमाग से, मैं उन पे बात करूंगा। जैसे अभी जिक्र हुआ बाबा साहब का, जिक्र हुआ देवीलाल जी का, जिक्र हुआ एक जिक्र इन्होंने छोड़ दिया अन्ना जी का। अन्ना जी जब बैठे थे तो उन्होंने भी ये जिक्र किया था कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए डिबेटेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बात बहस होनी चाहिए, बात करें, बट इसके पीछे राजनीति क्या है ये समझिए आप। ये हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा, ये ऑल दूसरी स्टेट्स में भी जाएगा। और अब आप जो मुझे खतरा है, इन लोगों का खतरा ये जीतेंगे हारेंगे ये नहीं है, मुझे खतरा सिर्फ एक है कि जो सरकार सेंटर में होगी वो फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर देगी। हमारे स्टेट के जितने भी हैं वो कैसे खत्म होंगे वो बता रहा हूं, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वो ऐसे हुआ है कि पैसे के बिना तो कोई घर चल नहीं सकता। पैसा मेन जो मिलता था जीएसटी से मिलता था, पिछली तिमाही का पैसा किसी स्टेट को भी सेंटर ने देने से मना कर दिया है, अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। मींस बाय फेडरल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा अगर उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो। अब मैं आता हूं पंचायत पे, पंचायत पे जैसे ही ये बात जाएगी
जितना छोटा इलेक्शन आए, आप देखिए आप पूरा डाटा निकलवाइए इनको बोल के, उस डाटा को जब आप चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा जो झगड़े होते हैं वो सबसे छोटे इलेक्शन में होते हैं, और सबसे छोटा इलेक्शन जो होता है वो पंचायत का होता है। और पंचायत का झगड़ा, अब मैं वहां गांव की बात ना करके निगम का कल का परसों का झगड़ा बता देता हूं, अभी अखबार ये बोल रहे हैं गुड़गावा का झगड़ा बता देता हूं। गुड़गावा के अंदर बीजेपी के सारे वो काउंसलर्स हैं, सारे के सारे लोग वहां बैठे हुए हैं, वहां सिर्फ जूते चप्पल नहीं चले, बाकी सब कुछ हो गया। मीन्स भाई कि बीजेपी बीजेपी के होते हुए भी एक दूसरे को काम नहीं करने देंगे, क्योंकि ग्रुप के अंदर भी ग्रुप होता है, ऐसा कांग्रेस में भी होगा। कल को कांग्रेस की ही सरकार बनी हुई हो और कांग्रेस के ही काउंसलर हो तो उसमें भी दो धड़े तो होते हैं हर जगह, तो वो आपस में काम नहीं करने देंगे। तो अगर इनके पास कोई सॉलिड ऐसा प्रपोजल है कि भाई देखो काम कोई नहीं रोक सकेगा, और उसके बाद राइट टू रिकॉल अच्छी चीज है, मैं मानता हूं कि जब हमें भेजने का हक है तो हमें उन्हें वापस बुलाने का भी हक होना चाहिए, ये होता भी है, जिसके पास अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उसके पास टर्मिनेटिंग अथॉरिटी भी होती है, ये सच है, ठीक है। तो ये डिबेटेबल है, अच्छी डिबेट होनी चाहिए, अच्छी बहस होनी चाहिए, लेकिन जो ये मेरे खतरे हैं, इन खतरों का जवाब मेरे हिसाब से दोनों के दोनों अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि मुझे दोनों ये खतरे यही हैं कि काम नहीं हो पाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होगी वो दादागिरी करेगा, 90% ऐसा यकीन है, क्योंकि अभी स्टेट पे तो करते ही हैं, गवर्नर के थ्रू करते हैं, ऐसे ही कोई और एक बॉडी बनाई जाएगी, वो जो मेन जहां पे छोटा जहां पे काम होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर शहरीकरण सबसे तेजी से बढ़ रहा है और ग्रामीण इलाके खत्म होते जा रहे हैं, जबकि हमारी जो जीडीपी का ज्यादातर जो वो हिस्सा है वो गांव से आना चाहिए। ऐसी प्लानिंग करेंगे तब वहां पे और मजबूत होगी हमारी जो पंचायतें, और मजबूत होंगी, उनको मजबूत करने की या कमजोर करने की बात कर रहे हैं। दोबारा चौहान जी, देखिए कौशिक जी, बतौर राजनीतिक विश्लेषक विषय पर सहमत हुए, राइट टू रिकॉल होना चाहिए, मैं उनका आभारी हूं, लेकिन उन्होंने जो खतरे जताए कि गांव में गुटबाजी है, भाजपा में गुटबाजी है, कांग्रेस में गुटबाजी है, साहब क्योंकि गुटबाजी है इसलिए हम प्रजातंत्र को तो पैकअप करके नहीं रख सकते, क्योंकि घर में भी गुटबाजी हो इसलिए तो घर कभी तोड़ा नहीं जाता, घर में भी मतभेद हो सकते हैं, पार्टियों में भी मतभेद मनभेद होते हैं, गुट भी होते हैं, गुटबाजियां भी होती हैं, संघर्ष भी होते हैं, उस सब के बावजूद प्रजातंत्र सबसे बेहतरीन व्यवस्था है, इसीलिए हमने स्वीकारा है, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राइट टू इलेक्ट है तो राइट टू रिकॉल उसको और ताकत देता है, और स्पष्टता पारदर्शिता देता है, मतदाता को मजबूत करता है, इसलिए हम उसके पक्ष में हैं। रही बात काम रुकने की, जो इन्होंने अंदेशा जताया पंडित जी ने, उसके बारे में मेरा ये कहना है कि जब काम रुकने की स्थिति पैदा करनी होती है तो आज जो व्यवस्था विधानसभा संसद या ग्राम पंचायतों में है वहां अब भी रुक जाता है जब कुछ लोग काम ना करने देने पर आमादा हों, और उससे बचने के प्रावधान आज भी मौजूद हैं। जब नई व्यवस्था होगी, नया बिल जब आ रहा है, कानून बनेगा, तो उसमें यह सुनिश्चित करना हमारा, आपका, विपक्ष का, सब पक्षों का दायित्व है कि काम न रुके, सब कुछ चलता रहे, स्मूथली चलता रहे। रही बात कांग्रेस की, मैं उनकी तुलना गांव में हर कुनबे मोहल्ले में एक आध ताई चाची दादी ऐसी होती है जिसको भांजी मारनी होती है, किसी के ब्याह का रिश्ते का प्रस्ताव आ गया तो वो पहुंच जाती है, ना ए बहू ना रे भाई न्यूनी, माने उसके पास कोई बड़ी दलील नहीं होती, कोई तर्क नहीं होता, लेकिन क्योंकि किसी का ब्याह होने जा रहा है, किसी का रिश्ता होने जा रहा है, किसी के घर में लड्डू बनने का इंतजाम हो रहा है, ना ताई तो भांजी मारेगी मारेगी। मैं तीन उदाहरण दे रहा हूं बहुत विनम्रता के साथ। हमने कहा हम हरियाणा के हर गांव में 24 घंटे बिजली देंगे, हमारा गांव जगमग गांव की योजना के तहत। इन्होंने इतना शोर मचाया, इतना हल्ला किया, कभी नहीं हो सकती, एक गांव में नहीं हुई, दो में नहीं हुई, आधे से ज्यादा गांव में, 4,500 गांव से ज्यादा हम बिजली, एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए, 4,500 से ज्यादा गांव में बिजली दे दी गई, एक मुझे मेरी बात तो पूरा करने दीजिए, मैं मुझे यही पूरा करने दीजिए ना।
हाँ ठीक, मुझे एक बार ये पूरा कर लेने दीजिए कृपा करके। हाँ, ऐसे बीच में मेरी बात अधूरी रह जाएगी, फिर कोई बात नहीं बनेगी। फिर हमने कहा कि हम पढ़ी लिखी शिक्षित पंचायतें लेकर आ रहे हैं, हम उसका कानून ले आए। इन्होंने कानून लाने से बांझी मारनी शुरू की, फिर ये लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हरियाणा ने जो किया है पंचायतों, शिक्षित पंचायतों के लिए, वो कानून अच्छा है, श्रेष्ठ है, संविधान सम्मत है, दूसरे राज्यों को भी उसको फॉलो करना चाहिए। ये पहले बिजली के मामले में भी रोए, ये शिक्षित पंचायतों के मामले में भी रोए, और अब जब हम राइट टू रिकॉल, जो कि प्रजातंत्र को मजबूत करने वाली व्यवस्था है, उसकी तरफ कदम बढ़ाने चले हैं, तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। यू क्यों करोगा, इसमें यह दिक्कत आएगी। एक और चीज में रोए थे, मैं आपको बताता हूं, जब हमने आईटी का प्रयोग करना शुरू किया बहुत सारी चीजों में, ग्राम पंचायतों को भी आईटी संपन्न करेंगे, तब इन्होंने कहा था गांव में तो इंटरनेट नहीं है, गांव में तो लोग जानते नहीं है। आपको मालूम है हिंदुस्तान के गांव गांव में साधारण से साधारण किसान, साधारण से साधारण ग्रामीण आज आईटी की एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है, और कोरोना काल में वो एप्लीकेशन, वो व्यवस्थाएं लोगों के लिए वरदान साबित हुई हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पीछे घसीटना चाहते हैं, तो बांझी मारण आना था, मैं तो न्यू कहूं, सिर्फ ये बांझी मारण की आदत छोड़ दो, अच्छी चीज का समर्थन करोगे तो लोग के मेरा थारियले भी लागले थोड़े बहुत। चलिए ठीक है, आ रही हूं मैं, आ जाऊंगी कौशिक साहब एक बार फिर आपके पास। अर्जुन जी काफी समय से हैंड रेज कर रहे हैं, अर्जुन जी फाइनल कॉमेंट सर जी, फाइनल कॉमेंट। देखिए अनामिका जी, मुझे तो अभी अभी तक इनका तालमेल ही नहीं समझ आ रहा है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको ये विधेयक लाने से ही मना कर दिया है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये देखिए कि हम तो अभी भी पूरे वही आखिरी कमेंट और वही स्टैंड है कि पहले अपने पे लागू करिए, आज ही उचाने की जनता आपको रिकॉल कर देगी। और दूसरी बात, चौहान साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चौहान साहब पहले अपना तालमेल देखिए, आपका तालमेल नहीं है जेजेपी के साथ। हरियाणा में 9 महीने की सरकार में 9 घोटाले कर चुके हैं, एक तरफ शराब घोटाले पर डिप्टी सीएम कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, अनिल जी गृह मंत्री कहते हैं कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। राइट टू रिकॉल अच्छा लगेगा, अगर अगर भारतीय जनता, चौहान चौहान साहब से पूछिए कि आपका क्या स्टैंड है राइट टू रिकॉल पर, जो दुष्यंत जी ला रहे थे उसको पेश क्यों नहीं करने दिया गया। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी, बिल्कुल चौहान जी जवाब तैयार रखिए, ठीक है मैं जवाब ले लूंगी। दीप कमल जी फाइनल कमेंट, हम पक्षधर हैं। दीप कमल जी फाइनल कमेंट, कह दिया चौहान साहब ने, अर्जुन जी आपको जवाब दे दिया कि वो पक्षधर है, आपका सवाल यही खत्म हो जाता है। ठीक है दीप कमल जी फाइनल कमेंट, पक्षधर है तो पेश क्यों नहीं कराया गया, 3 घंटे अपनी बारी में बोलिए प्लीज, अर्जुन जी फाइनल कमेंट हो चुका आपका, बोलने दीजिए, आपने जेजेपी से सवाल पूछा जवाब सुनिए प्लीज अर्जुन जी, बिल्कुल नहीं सर आप सुन रहे हैं मुझे, शांत हो जाइए अर्जुन जी। दीप कमल जी आप बोलिए फाइनल कमेंट सर, दीप कमल जी देखिए ये चुप नहीं हो रहे हैं, आप बोलिए सर आप बोलिए, हो जाएगी शांत। थोड़ा खबरें पढ़ा कीजिए अर्जुन जी, अगले दिन सरकार में सफा था, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था बीजेपी के लोगों ने कहा था, कमाल है अर्जुन जी, मैं आपको कह रही हूँ शांत हो जाइए सर, टाइम नहीं है, मुझे फाइनल कमेंट लेना है। बहुत ज्यादा आप सुन लीजिए एक बार, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है विधानसभा की, जिसके अंदर आज के दिन इनेलो का कोई नुमाइंदा है नहीं, आपके पास ऐसी क्षमता नहीं है, उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सुबह 11 बजे ये फैसला हुआ कि ये क्योंकि आम लोगों से जुड़ा हुआ विषय है, इस पर आम चर्चा होनी चाहिए। 9 विधायक हमारे मौजूद नहीं है, मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है, स्पीकर मौजूद नहीं है, आपके विधायक सारे विधायक चर्चा में शामिल है, इसके दादा गौतम आपके खिलाफ, आपके दादा गौतम आपके खिलाफ बोल रहे थे विधानसभा में सर, आप कहां इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं, आप आज की बात कीजिए ना अर्जुन जी, फिर अगर सरकार कह देगी कि आपके पास मुद्दे नहीं है तो फिर अलग तमतम आ जाएंगे। ठीक है हो गया, डॉक्टर हिम्मत फाइनल कमेंट, अर्जुन जी प्लीज मुझे ऐसे ही वाइंड अप करना पड़ जाएगा, आप मुझे सुन नहीं रहे सर,
अनामिका जी हाँ। मैं दोबारा दोहराता हूँ, हमारा विरोध इस बात का है, इसको पहले संसद लेवल के ऊपर लागू कीजिए, विधानसभा पे लागू कीजिए, फिर आप ग्राम की तरफ देखिए। आज आपने गाँव आज आपने गांव की हालत क्या कर दी है? एक सेकंड सर, उसके प्रयोग पर आपत्ति। अनामिका जी, आज ग्राम की हालत क्या है? आज गाँव को आज ये ग्रांट देने के लिए तैयार नहीं है। आज ये कह रहे हैं गाँव को कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ। आज इनको हरियाणा के सारे सरपंच जो है भ्रष्टाचारी नजर आते हैं। अरे आप रिकॉल कीजिए उन अधिकारियों को जो उन सरपंचों के काम नहीं करते, जो पंचायत लेवल पे जो वीडियो बिठा दिए वहां भ्रष्टाचार है। आज नो जो है बड़े घोटाले, आज होमगार्ड का घोटाला, आए दिन एक नया घोटाला प्रदेश के अंदर है। अरे कांग्रेस के योगदान को कौन भूल सकता है? आपने आईटी का जिक्र किया, उसको लाने वाले कौन है? राजीव जी, आप तो बैलगाड़ी में आ गए थे संसद के अंदर, बैलगाड़ी में। आज आप उस आईटी का जो है वो बताते हैं, अधिकार देने का काम कांग्रेस ने किया है, चाहे वो आरटीआई का कानून हो, चाहे वो एजुकेशन का कानून हो। और वो कहाँ गया? वो लोकपाल बिल कहाँ गया? लोकपाल बिल कहाँ गया? प्लीज सर, डॉक्टर अहमद प्लीज। चौहान जी, कानून आएगा, राइट टू रिकॉल का कानून, ग्राम सभाओं को मजबूत करने वाला कानून होगा, प्रजातंत्र को प्रबल और प्रभावी बनाने वाला कानून है। कांग्रेस के और दूसरे मित्रों को थोड़ा सा पढ़ना लिखना चाहिए, इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अच्छी चीज का विरोध करने से लोग आपके खिलाफ होने वाले हैं। और अब भी इसी तरह का सिलसिला जारी रखोगे तो लोग आपको अपने नजदीक फटकने नहीं। ठीक है, चौहान साहब, दीप कमल जी को 20 सेकंड दे रही हूँ, 20 सेकंड। दीप कमल जी, भ्रष्टाचार का जो पर्यायवाची है वो तो कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, इसलिए उनको हर किसी में भ्रष्टाचारी नजर आता है। लेकिन एक मिसाल देखिए, हमारे यहाँ पर पिछले कई सालों में एक चलन बना है कि कोई एक बड़ा सेठ आदमी जो कुछ पैसे कमा लेता है वो रहता गुड़गांव है और सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए जींद हिसार में या भिवानी आके सरपंच लड़ता है और फिर गुड़गांव रहने लग जाता है। अगर किसी गाँव के लोग बहकावे में आकर किसी भी गलतफहमी में ऐसे सरपंच को चुन लेते हैं जो चुनने के बाद गुड़गांव जाकर बैठा रहे, आपको भी बहकावे में जनता ने चुन लिया। ये जो ब्याह कर लिया आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसके लिए जनता ने आपको नहीं चुना था। आपने जनता के साथ गद्दारी की है, इनके मंत्रियों का हराने का काम हरियाणा की जनता ने किया, वो भी राइट टू रिकॉल था। चलिए हो गया, 20 सेकंड खत्म। अर्जुन जी 20 सेकंड। ये जो ब्याह किया आपने ना, प्लीज जवाब देने का टाइम खत्म हो गया, मैं 20 सेकंड एक्स्ट्रा दे रही हूँ सबको। अर्जुन जी 20 सेकंड जी बोलिए सर, जल्दी बोलिए सर, टीवी सुनकर बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अर्जुन जी बोलिए, चले आवाज नहीं पहुंच रही, खत्म कर दीजिए। कौशिक जी, आप अपने विश्लेषण से देखिए, मेरा मानना यह है कि जब कभी कोई भी रिफॉर्म आते हैं उनका विरोध दूसरी पार्टी करती है, और भाजपा की तो पूरी जिंदगी विरोध करने में ही गुजरी है, और एक नहीं पचासियों चीजें हैं, मैं तो उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। एग्जैक्टली, इन्हें ये बात जरूर करनी चाहिए कि जी आप फॉर्मेट लाइए, हम बहस करते हैं, हम बात करते हैं, फिर उसके बाद जो कंक्लूजन निकलता है दोनों की तरफ से निकलेगा। जब ये मान ही रहे हैं कि जी हम इस शेप में नहीं, हम दूसरी शेप में करते हैं, तो दूसरी शेप में करने के लिए करते रहेंगे। तो अब जब ये करना चाहते हैं और ये वो आगे लेके नहीं आना चाहते, दो मिनट एक्स्ट्रा ले लिया डिबेट मैंने, मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगी तो जरूर बात करूंगी। हाँ, तो ये क्या है कि ये लाना नहीं, ये हेडलाइन गेन करना चाहते हैं, हेडलाइन गेन कर ली इन्होंने। अगर लाना चाहते हैं तो इन्होंने मना कहां किया है? ना दूसरी पार्टी मना कर रही है, ना ये कर रही है, कोई मना नहीं कर रहे। तो आप लाइए, फॉर्मेट तैयार कीजिए। बहुत बड़ा सवाल उठा दिए, 10 सेकंड लॉजिकली आप उसको कंक्लूड कीजिए। चौहान जी हेडलाइन गेन करना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं ये पंडित जी? आप लाना नहीं चाहते, हेडलाइन गेन करना चाहते हैं, कांग्रेस ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया, जर्नलिस्ट ने किसी ने मना नहीं किया। अंतिम लॉजिकली मुझे ये कहना, पंडित जी सुनिए, एक क्षण। पंडित जी कृपा करके सुन लीजिए, राइट टू रिकॉल पहले से कई राज्यों में है, वो पहली बार हरियाणा में आ रहा हो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हरियाणा का कानून विधिवत तरीके से वो विधानसभा के पटल पर आएगा, प्रतिपक्ष से भी पूछेंगे, उनकी भी सुनेंगे और संविधान सम्मत तरीके से कानून पारित करेंगे। हमने नहीं कहा कि हम धक्काशाही करने वाले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर,
बहुत शुक्रिया आप सबों का, धन्यवाद करती हूँ। शार्प पॉइंट अप करना होगा मुझे राइट टू रिकॉल पर। हरियाणा के सियासी गलियारे में आगे क्या रहेगा, पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।